हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो गुरु अमित चैनल। आज मैं बहुत टाइम बाद आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो है रिलेशनल मॉडल। वैसे मैंने आपको बताया था, शॉर्ट्स बना के मैंने बताया था कि डेटाबेस के अंदर कौन कौन, DBMS के अंदर कौन कौन से डेटा मॉडल होते हैं। एक होता है ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, और एक होता है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो आज हमारा टॉपिक होगा रिलेशनल डेटा मॉडल इन DBMS। तो आइए, रिलेशनल डेटा मॉडल है उसके डिस्क्राइब में जो भी PPT मैंने तैयार किए, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी और उसको डिस्क्राइब करके आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि रिलेशनल डेटा मॉडल होता क्या है। और होप्स हो कि आपको समझ में आ जाए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले होता है रिलेशनल मॉडल इन DBMS। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि डेटा मॉडल क्या क्या होता है, रिलेशनल, ER मॉडल और ऑप्स मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। सबसे पहले होता है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल मॉडल कैन रिप्रेजेंट एज अ टेबल विथ कॉलम एंड रो। पूरा जो भी मॉडल है ये क्या होता है, टेबल, रो और कॉलम में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ईच रो इज़ नोन एज टप्पल। रो को तो क्या बोलेंगे, टप्पल, और कॉलम को बोलेंगे एट्रीब्यूट। पहले मैंने ER मॉडल में जो एंट्री, ER मॉडल जो मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एंटिटी क्या होती है, मैंने सारा आपको पहले डिस्क्राइब किया था। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या क्या होता है। डोमेन, डोमेन क्या होता है, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक। डोमेन के अंदर हम क्या करेंगे, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू को रखता है वो डोमेन कहलाएगा। एट्रीब्यूट क्या होता है, इट कंटेन द नेम ऑफ कॉलम इन द पर्टिकुलर टेबल। एट्रीब्यूट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है, कोई भी नेम होता है किसी भी एट्रीब्यूट का, AI मस्ट हैव डोमेन। जैसे AI हो गया तो डॉम AI इसका क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। रिलेशनल इंस्टेंस, इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम द रिलेशनल इंस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय द फाइनाइट सेट ऑफ टपल। रिलेशन इंस्टेंस डू नॉट हैव डुप्लीकेट टपल्स। रिलेशनल इंस्टेंस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी टपल्स होती है, जो टपल्स क्या होती है, रो को क्या बोलेंगे हम, टपल बोलेंगे। फर्स्ट लाइन में देखिए, रो, ईच रो इज नोन एज टपल। ओके, तो रिलेशनल इंस्टेंस डू नॉट हैव डुप्लीकेट टपल्स। रिलेशनल इंस्टेंस के अंदर जो भी टपल्स है उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा। रिलेशन स्कीम कंटेन द नेम ऑफ द रिलेशन, ये क्या करेगा, जो भी रिलेशन का नेम है, एंड द नेम ऑफ कॉलम, रिलेशन और कॉलम के नेम को बताएगा रिलेशनल स्कीम। ये क्या होगी, इन द रिलेशनल की ईच रो हैज़ वन और मोर एट्रीब्यूट। सारी रो होगी उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे। इट कैन आइडेंटिफाई द रो इन द रिलेशनल यूनिकी, और जो सारी रो है वो क्या करेगी, अपना यूनिक रिलेशन बताएगी। ओके, तो रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर क्या हो गया, डोमेन, एट्रीब्यूट, रिलेशनल इंस्टेंस, रिलेशनल स्कीम एंड रिलेशनल की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनल होता क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल। जैसे मैंने एक टेबल बना रखी, इसके अंदर क्या है, नेम हो गया, रोल नंबर, एड्रेस एंड एज एंड फ़ोन नंबर। ये तो क्या हो गया, पूरे स्टूडेंट की रिलेशनल मैंने टेबल बना ली है जिसके अंदर ये सारा बता रखा है। अब जैसे मैंने इंस्टेंस किया है स्टूडेंट का 5, जैसे इंस्टेंस कितना हुआ है 5, स्कीमा स्टूडेंट है 5 टपल, इसके अंदर कितना है 5 टपल्स है, 5 टपल्स मीन्स 5 रो है, राम, श्याम, लक्ष्मण, महेश एंड गणेश, ये क्या हो गई 5 टपल्स हो गई। इसके अंदर मैंने इंस्टेंस में क्या किया, T3 इज इक्वल टू लक्ष्मण, इसका रोल नंबर दे दिया, इसका एड्रेस फ़ोन नंबर दे दिया, इसका एड्रेस दे दिया, इसकी एज दे दी, मैंने T3 किया है। तो T3 क्या होगा, फर्स्ट हो गया राम, सेकंड हो गया श्याम एंड 3 हो गया लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का सारा डिटेल इसके अंदर टप्पल के अंदर मैंने बता दी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है किसी भी रिलेशन की। नेम ऑफ द रिलेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल द अदर रिलेशन होगा, पूरी टेबल्स में जितने भी कॉलम है, जितने भी रोज में जितना एट्रीब्यूट होगा उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन होना जरूरी है। मतलब कि जैसे कोई स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही सारा उसका डेटा होगा। ईच रिलेशन सेल कंटेन एग्जैक्टली वन एटॉमिक वैल्यू, और जो भी एट्रीब्यूट होगा, जो भी रो के अंदर जितना भी डेटा है उसकी क्या होगी, सिंगल वैल्यू होगी। यानी कि एक बार अगर राम का जैसे आ गया, राम आ गया, तो राम का क्या होगा, रोल नंबर एक होगा ना, तो वो एक रोल नंबर ही सिंगल वैल्यू होगा, मतलब का उसका यूनिक वैल्यू होगा 1। ओके, ईच एट्रीब्यूट कंटेन्स अ डिस्टिंक्ट नेम, उसका नेम भी डिस्टिंक्ट रहेगा। एट्रीब्यूट डोमेन हैज़ नो सिग्निफिकेंस, टप्पल हैज़ नो डुप्लीकेट वैल्यू, ऑर्डर ऑफ टप्पल कैन हैव डिफरेंट सीक्वेंस। ओके, ये सारी इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनल एल्जेब्रा। रिलेशनल एल्जेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। इट गिव अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। इट यूजेज ऑपरेटर टू परफॉर्म क्वेरीज। ओके,
तो ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी रिजल्ट निकालना है, कोई भी क्वेरी देंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेरी देंगे और ये क्या करेगी ऑपरेटर्स के ऊपर परफॉर्म करेगी। जैसे मैंने डायग्राम देखे रिलेशनल अलजेब्रा कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन एंड रीनेम। ये इतने 7 के ऑपरेशंस होते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जिसके थ्रू हम पूरी टेबल्स में रिलेशनल डेटा मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हमारा आता है सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन क्या होगा, कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करने के लिए द सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट टपल दैट सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट। ओके, पूरी टपल्स को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। इट डिनोटेड बाय द सिग्मा। सिग्मा इसका क्या है, साइन है, जिसके साइन सिग्मा साइन जब हम करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा हमें सेलेक्ट करना है। सिग्मा इज़ यूज फॉर सेलेक्शन प्रिडिक्शन, आर इज़ यूज फॉर अ रिलेशन। जैसे मैंने नोटेशन को देखे देखे सिग्मा पी ब्रैकेट में आर है तो आर क्या हो गया रिलेशन के लिए यूज़ हो रहा है और पी इज़ यूज एज अ प्रोपोजिशनल लॉजिक फार्मूला विच में यूज कनेक्टर लाइक एंड और नॉट। दिस रिलेशन कैन यूज द रिलेशनल ऑपरेटर लाइक जो भी ऑपरेटर्स है ये सारे इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन ये सारे ये इसके ऑपरेटर्स यूज हो गए। तो मेन ऑपरेशन क्या है सेलेक्ट ऑपरेशन जिसको हमने डिनोट किया सिग्मा से। ये मैंने इसका फॉर्मूला दे रखा है नोटेशन सिग्मा पी आर। तो इससे हमें क्या इससे क्या क्वेरी होगी टेबल्स के अंदर क्या अपडेशन होगा हम देखते हैं नेक्स्ट। पूरी इसके अंदर मैंने जो ब्रांच नेम है लोन नंबर है और अमाउंट है ये तीन कॉलम को ऐड करके मैंने एक टेबल क्रिएट की है। इसके अंदर ब्रांच का नेम आ गया सारा, लोन नंबर आ गया और अमाउंट आ गया। इसके अंदर मैंने सेलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हुए मैंने फॉर्मूला लगाया है सिग्मा ब्रांच नेम इज इक्वल टू पैरी राइट ब्रैकेट में आ गया लोन। तो हमें क्या करेगा उन्हीं को सेलेक्ट करेगा जिसका नाम क्या है पैरी राइट। ठीक है, तो ब्रांच नेम क्या हो गया पैरी राइट, दो आए हैं इसके अंदर देखिए L15 और L16 ये दो लोन नंबर है जिसका पैरी राइट ब्रांच नेम है। तो ये हमारा सेलेक्ट होके आ गया, न्यू टेबल क्रिएट हो गई जिसके अंदर सिर्फ सेलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ किया है। तो ये क्या हो गया सेलेक्ट ऑपरेशन सिग्मा का यूज़ करके सेलेक्ट ऑपरेशन कर लिया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा आता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या होगा, द ऑपरेशन शो द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट दैट वी विश टू अपीयर द रिजल्ट, रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द टेबल। ये क्या करेगा जो हमें रिजल्ट जो हमें पूरी टेबल के अंदर जो हम शो कर रहे हैं सिर्फ वही हमें दिखाएगा, बाकी जो भी एट्रीब्यूट होगा उनको हटा देगा। और इसको कैसे डिनोट करते हैं ये आप साइन देखिए, इस तरीके से हम पूरा प्रोजेक्ट ऑपरेशन का जो हम फॉर्मूला क्वेरी करते हैं तो इस टाइप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो उसका नोटेशन क्या आ गया, साइन आ गया प्रोजेक्ट ऑपरेशन का A1, A2 एंड R। R हो गया रिलेशन, तो A1, A2, A3 इज़ यूज एंड एट्रीब्यूट नेम इन रिलेशन। तो ये देखिए हमारा इनपुट दे दिया का यूज़ करते हुए नेम एंड सिटी जो एट्रीब्यूट है इसमें हमें कस्टमर का अलग से नेम बन जाएगा। तो कस्टमर रिलेशन में क्या आएगा, नेम का अलग हो गया और सिटी का अलग हो गया। तो इसके अंदर हमने जो न्यू टेबल जनरेट हो गई जिसमें देखिए नेम और सिटी दो आ गई। अब इसके अंदर सारे जितने भी नेम जॉन स्मिथ है स्कैरी और जॉनसन ब्रूक ये सारे नेम आ गए और इसकी सिटी आ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ प्रोजेक्शन, तो ये क्या हुआ हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसमें नेम और सिटी को अलग से क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट आता है यूनियन। यूनियन क्या, यूनियन का मतलब क्या होता है जिसमें आर और एस जो दो, यूनियन का मतलब होता है कनेक्ट करना यानी कि जोड़ना। तो ये क्या करेगा आर और एस जो दो टेबल्स हैं हमारी उनको क्या करेगा साथ में ऐड कर देगा, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी उनको हटा देगा। तो यूनियन का डिनोट बाय द यू, तो यू से हम आर नोटेशन में देखिए आर यूनियन एस, इस तरीके से हम इसको यूनियन ऑपरेशन को डिनोट करेंगे। इससे हमारा टेबल आ गया, इसमें देखिए दो टेबल दे रखी है, डिपोजिटर रिलेशन की टेबल है, एक टेबल है बोरो रिलेशन की, दो टेबल्स आ गई। अब हमने इनमें इनपुट क्या किया है, सबसे पहले तो हमने कर दिया प्रोजेक्ट कस्टमर नेम, ठीक है, और बोरो टेबल में से प्रोजेक्ट कर लिया है कस्टमर नेम को और कस्टमर नेम को यूनियन में साथ में कर दिया है डिपोजिटर, यानी कि डिपोजिटर रिलेशन और बोरो रिलेशन इन दोनों के अंदर जितना भी कस्टमर का जो नेम है उनका आउटपुट अलग से आ गया। इन सारों में जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो तो हट जाएगी और जो से अलग से जो वैल्यू है वो सारे जो भी कस्टमर के नेम है वो इसमें ऐड होके न्यू आउटपुट हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसमें ना मैच कर सकते हैं जैसे जॉनसन स्मिथ मेयर्स ये सारे जितने भी कस्टमर के जो नेम है दोनों टेबल्स के अंदर वो उन कस्टमर नेम से न्यू टेबल जनरेट हो जाएगी और जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो नहीं आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन का यूनियन का उल्टा होता है। जैसे यूनियन में तो क्या किया था, आर और एस को कंबाइन कर दिया था, और सेट इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, अलग कर देंगे। ओके, और इसमें क्या करेंगे, जो भी डिपोजिटर रिलेशन और जो बोरो रिलेशन है उसके अंदर जो भी डुप्लीकेट जो वैल्यू होगी वो शो करेगी। ठीक है, जैसे मैंने इसमें नोटेशन कर दिया आर यूनियन ई। अब ये टेबल आप देख सकते हैं, अब आप ये टेबल देख सकते हैं, कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर नेम आर यूनियन एस में देखिए कौन सा इसमें, कौन सा जो कस्टमर का नेम है वो क्या करे, रिपीट हो रहा है दोनों में, जो सेम हो रहा है। जैसे स्मिथ है तो स्मिथ इसमें हो रहा है, और इसमें A121 एंड AL23। ठीक है, तो स्मिथ हो गया, और जॉस और जॉन्स, और जॉन्स हो गया A472 एंड जॉन्स हो गया L17। तो ये दोनों कस्टमर के जो नेम है वो क्या है, सेम है। ठीक है, बाकी में देखिए आप कोई भी डिपोजिटर रिलेशन टेबल और बोरो रिलेशन टेबल, इसमें कोई भी कस्टमर का नेम सेम नहीं है। तो इसमें क्या होगा, पूरे टेबल्स का सारा नेम नहीं आएगा, इसमें जो कॉमन नेम होगा जो दोनों में मैच करता होगा वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस के अंदर क्या करेंगे, देयर आर टू टपल आर एंड एस, यानी कि इसमें आर आ गया और एस आ गया। जैसे आर में हो गया डिपोजिटर रिलेशन ऑन बोरो रिलेशन, द सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन कंटेन ऑल टप्पल दैट आर आर बट नॉट इन एस। जो आर के अंदर तो है लेकिन एस के अंदर नहीं है, ऐसे टप्पल्स उनको अलग कर देगा। ठीक है, तो आर माइनस एस, माइनस का साइन क्या किया, सेट डिफरेंस करने के लिए माइनस का साइन दिखाया है। तो कस्टमर में देखिए, कस्टमर नेम में देखिए, पहले मैंने कस्टमर नेम को लेके चला है ताकि ज़्यादा पूरी टेबल क्रिएट ना हो। तो कस्टमर नेम में हमारा आर और बोरो रिलेशन हो गया हमारा एस। तो जैसे टप्पल्स हैं हमारे, जैसे इसमें कोई भी मैच नहीं हो रहे, देखिए आर में वो रिलेशंस, आर की जो टेबल है यानी कि जो डिपोजिटर रिलेशन है उसके अंदर जो कस्टमर के नेम है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बोरो रिलेशन के अंदर जो कस्टमर के नेम होंगे उनको हम अलग से आउटपुट के अंदर क्रिएट कर देंगे न्यू टेबल के थ्रू। तो न्यू टेबल में हमारा आ गया जैक्सन। जैक्सन क्या है, जैसे एस की जो टेबल है इसके अंदर, जैसे बोरो रिलेशन की जो टेबल है उसके अंदर है हाइस, इसके अंदर है विलियम्स, इसके अंदर बोरो रिलेशन के अंदर है, एंड करी ये भी इसके बोरो रिलेशन के अंदर है। ठीक है, तो जो डिपोजिटर रिलेशन में थे वो ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर जो मैच हो गए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बोरो रिलेशन के अंदर जो कस्टमर के नेम थे उसको, उसके कस्टमर को नेम को लेते हुए हमने एक न्यू टेबल जनरेट हो गई जिसके अंदर हमारा आउटपुट डिनोट हो गया जो सेट डिफरेंस को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स हमारा ऑपरेशन आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मंस हम देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, जैसे क्रॉस का डिनोट किया है तो इसमें मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। जैसे द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल विद ईच रो इज अदर टेबल। कंप्लीट जो भी एक रो है, जैसे स्मिथ है तो स्मिथ की जो कंप्लीट रो है, जैसे वन स्मिथ ए, इसको क्या करेंगे, जो सेकंड टेबल है हमारी डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। मींस उसको स्मिथ को तीनों जो मार्केटिंग सेल्स और लीगल है इन तीनों में हम कार्टेशियन करवाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम हैरी और जॉन, इन दोनों कस्टमर नेम एम्प्लॉय नेम है, इनको भी हम कार्टेशियन करेंगे। जैसे हमारा आउटपुट देखते हैं, इसको नोटेशन किया कैसे करते हैं, ई क्रॉस डी। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गई 111223, ये सारे इसको क्या है, कंक्लूजन है। अब इसमें स्मिथ जो हमारा एम्प्लॉय नेम था उसको हमने क्या किया, सेकंड जो हमारी टेबल थी डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम की, उस एक जो भी हमारी टप्पल है उसको उन सेकंड जो टेबल ही उसके कंप्लीट तीनों टेपल्स के साथ में हमने कार्टेशन करवाया। फिर हमारी फर्स्ट टेबल का सेकंड टपल आया उसको हमने तीनों के साथ कराया, फिर फर्स्ट टेबल का थर्ड जो टपल थी जॉन की उसको हमने तीनों के, इस तरीके से हम तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बाद हमारे जो रिलेशनल अल्जेब्रा के जो ऑपरेशंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसके थ्रू हम इसके थ्रू हम पूरा रिलेशनल अल्जेब्रा जो भी उसके ऑपरेशंस है उसको हमने डिस्क्राइब करने की जो मैंने कोशिश की है। होप सो आपको पसंद आई हो, और तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रखने के लिए भी थैंक यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी टेक्नोगुरु अमित के साथ। थैंक यू।